स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ओके क्लास, सो अनफॉर्चुनेटली वो आपकी स्लाइड जो है वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है, बट लास्ट आपको याद होगा कि इसके अंदर हमारे पास जो चीज बच गई थी वो थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल अगेन मैंने आपको ये भी बताया था कि जी सबसे पहला जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है ये आपका जो प्रोडक्ट है, व्हाट दैट यू आर गोइंग टू सेल, व्हाट यू आर गोइंग टू डील इन, ट्रांजेक्शन किस चीज की होगी, ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू डील विद। सेकेंड था फाइनेंशियल मार्केट्स के कहां पर, वेयर आर यू गोइंग टू फाइंड दीज प्रोडक्ट्स एंड वेयर आर यू गोइंग टू सेल दीज प्रोडक्ट्स, ठीक है। और लास्टली जो तीसरा मेन हमारा W है वो है who makes these financial institution financial instruments, कि कौन ये financial instruments बनाकर float करता है market में for selling and buying और कौन इनके अंदर deal कर रहा होता है, तो वो है financial institutions, ठीक है। अब financial institutions basically वो इदारे हो सकते हैं जो कि different ये financial products develop करते हैं, इनको market में sell करते हैं, इनकी सारी running के लिए responsible होते हैं, they could be investment banks and different institutions, के अंदर बहुत सारी classifications आ जाती हैं फिर इसके अंदर, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा आज का focus जो है वो markets के ऊपर है basically, इस वक्त institutions के ऊपर हम detail में discussion करेंगे कि ये जो क्योंकि markets and institutions है तो इसको भी हम आगे future में detail में discuss करेंगे कि institutions क्या हैं, उनके अंदर क्या क्या किया जाता है, क्योंकि अभी आज हम मार्केट्स को डिस्कस करें, जरा मार्केट्स का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लें क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो मैं यहां पर बल्कि आपके लिए मेंशन कर दूं, आप सबको मार्केट्स की टाइप्स पता है कि कितनी टाइप्स की मार्केट्स होती हैं फाइनेंशियल में? सर एक तो ये है ना क्लासिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग सेमी स्ट्रॉन्ग। नहीं नहीं ये वाली नहीं, मार्केट्स की टाइप कि कितनी टाइप्स की, कौन कौन सी टाइप की मार्केट्स होती हैं। चलो मैं एक दो से स्टार्ट करता हूं। यस ठीक है, प्राइमरी नंबर 1, सेकेंडरी। जी जी बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ यू कम टू द पॉइंट, सो प्राइमरी मार्केट, तो मैं मार्केट अभी नहीं लिख रहा, ये मार्केट्स मैं आपको ऊपर हेडिंग बना दूंगा। सो प्राइमरी बल्कि यहीं पर आई कुड हैव रिटन, सो आई विल डू दिस नाउ। सो सेकेंडरी और कौन सी होती है? I'm waiting the मैं बताऊं। कैपिटल। यस मनी एंड कैपिटल मार्केट। सर कैपिटल। जी कैपिटल मार्केट, राइट, यू आर राइट। मैं जरा सीक्वेंस वही लिख लूं जो तब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसलिए तो पहले मनी मार्केट एंड देन द कैपिटल मार्केट। ओके सो कोई मुझे ये बता सकते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है, या हल्का फुल्का किसी को आइडिया हो कि व्हाट इज द प्राइमरी मार्केट, व्हाट इज द सेकेंडरी, व्हाट इज द मनी, व्हाट इज द कैपिटल मार्केट? सर ऐसा सच रिकॉल करने पे ज़हन में तो नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा कर दें गाइड। मैं बता देता हूँ, डोंट वरी, मैं आपसे बस इसलिए पूछ रहा था कि आपको कितना आइडिया है, ताकि उसी हिसाब से आप सबको इसको आगे कंटिन्यू करवाऊं, ठीक है। ओके सो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर पहली बार कोई सिक्योरिटी ट्रेड की जाती है, पहली बार सिक्योरिटी को इशू किया जाता है, ठीक है। टू एक्सप्लेन, बेसिकली प्राइमरी मार्केट वो इशूअर्स हैं जो कि सिक्योरिटी इशू, जिसको हमने अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम भी दिया था, ठीक है। ये इशूअर्स बेसिकली पहली बार सिक्योरिटी को लॉन्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का सुना होगा, ठीक है, कि इस कंपनी ने आईपीओ किया आज, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली आईपीओ होता ही यूं है कि फॉर एग्जांपल अभी ट्विटर ने अपना आईपीओ किया था, या फेसबुक ने किया, या कोई भी डिफरेंट कंपनीज करती रहती हैं, तो उसके अंदर दुनिया के सबसे बड़े आईपीओ में आज तक फोर्ड का आईपीओ भी है पॉपुलर। तो होता ही है कि कंपनी होती है, चल रही है, जैसे कि जो रनिंग के एग्जाम्पल है, तो ये कहते हैं हमने अब पब्लिक जाना है, ठीक है। तो ये एक अंडरराइटर से कॉन्टेक्ट करते हैं, अंडरराइटर यूजुअली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं वो बेसिकली इनको सिक्योरिटी देते हैं कि आपके जितने शेयर्स बच जाएंगे वो हम खरीद लेंगे, अगर कोई ना बिके मार्केट में, ना बिक सके, तो वो हम उसकी पेमेंट करके वो हम खरीद लेंगे, और वो अंडरराइटिंग की फीस अपनी लेते हैं, वो चार्ज करते हैं, उसके अगेंस्ट वो उनके बैंक के थ्रू ही आप उनके कंपनी के शेयर पहली बार आप मार्केट से खरीद सकते हैं। इसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट, ठीक है, कि सिर्फ वही अंडरराइटर होगा, वो शेयर मार्केट में ऑफर करेगा, जो उसकी ब्रांच पे जाके ले लेगा वो ले सकता है इजीली, वो जो है आपके जो पहली बार शेयर इशू होने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपको आम स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नहीं मिलेंगे क्योंकि पहली बार इशू होने जा रहे हैं। तो एक अंडरराइटर जैसे कि जो अमेरिकन पॉपुलर है, जेपी मॉर्गन है, ठीक है, गोल्डमैन सैचेस है,
तो गोल्डमैन सैक्स तो बड़ा पॉपुलर अंडरराइटर है, तो वो कंपनीज के साथ डील हो जाती है, अपनी अंडरराइटिंग की फीस चार्ज करते हैं और फिर वो इशू कर देते हैं, एडवर्टाइज कर देते हैं कि जी ये कंपनी है, इसका आईपीओ होने जा रहा है, आपने खरीदने तो इतने में हम शेयर बेचेंगे, और वो सारी डीलिंग होती है। उसी के ब्रांच में आप जाकर डॉक्यूमेंट वगैरह फॉर्म फिल करके उनका शेयर परचेज कर सकते हैं। जो बच जाते हैं, अगर बचे तो, कभी बचते हैं तो वो अंडरराइटर खुद खरीद लेता है, वो उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है बस। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट, ठीक है। यहाँ इशूअर बैठा है, बेसिकली प्राइमरी मार्केट इशूअर है, इशू मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इशू कर रहा है शेयर्स को, ठीक है, कि कौन हु जो हमारा बेसिक बंदा था, ठीक है, ये इशू करता है और यही आपका प्राइमरी मार्केट होता है, ठीक है। अब ये जो शेयर एक बार कौन सा बैंक है पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे बैंक्स दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो आपके मेजर जितने बैंक्स हैं ये अंडरराइटिंग की सर्विसेज ऑफर करते हैं। एचबीएल ऑफर करता है ये, क्योंकि मुझे याद है इन्होंने कई बार, जी जी कमर्शियल बैंक्स, एक्चुअली ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनके अंदर डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं आजकल, पहले तो होते थे ना सेपरेट, कमर्शियल अलग है, इन्वेस्टमेंट बैंक अलग होते हैं, आज तो क्योंकि ये हर बैंक ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी करता है, कमर्शियल बैंकिंग भी कर रहा होता है, तो इसके अंदर ये होता है कि इनका एक जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन होता है, इनके जो हेड ऑफिस के अंदर होता है, वहां पर अंडरराइटिंग की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आई थिंक एबीएल भी करता है जो मुझे याद है, अल्फ्लाग करता है, एचबीएल करता है, बहुत सारे बैंक्स करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर आपको ऐड ना इनकी एटीएम पे भी कभी नजर आएगी या कभी टीवी पे भी नजर आएगी कि इस कंपनी की आईपीओ होने जा रही है, आपने लेने हैं तो एचबीएल की ब्रांच विजिट कर लें, अल्फ्लाग विजिट कर लें। जी बताएं, सही है सर, ये तो लिस्टेड कंपनीज के लिए हो गया ना, जो अनलिस्टेड कंपनीज आईपीओज में जाती हैं। नहीं नहीं नहीं, लिसन, कंपनीज का आईपीओ सिर्फ तभी हो सकता है जब वो लिस्ट होने जा रही हो, अनलिस्टेड कंपनीज का आईपीओ होता नहीं, एक अनलिस्टेड एसेट कोई चीज नहीं होती, लिस्टेड कंपनीज वो हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो सकती हैं, ठीक है। एक्चुअली आईपीओ होता ही उस कंपनी का है जो अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होना चाहती है। लेकिन सर अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है, मैं आपको अच्छा मैं समझाता हूं आपको, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। आपको बिजनेसेस की टाइप्स तो पता होंगी ना, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी, ये सारी आपने पढ़ी हुई है। जी सर, सोल प्रोप्राइटर लिस्ट नहीं हो सकता, ना ही उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, सेम गोज विद पार्टनरशिप, ठीक है। फिर वो फ्रेंचाइज और वो बाकी सारी चीजें तो वो सेपरेट है ना, वो तो टोटली एक और एरिया आ जाता है। फिर उसके बाद एक ही चीज बच जाती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, जिसके अंदर दो फर्दर सेक्शंस हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं उनके शेयर्स किसी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होते, इन्हीं को हम नॉन लिस्टेड जो आप कहना चाह रहे हैं वो कह सकते हैं, क्योंकि ये होती ही प्राइवेट लिमिटेड है, इसके शेयर बेचने भी हो तो वो प्राइवेटली ही बेचे जाते हैं, यूजुअली वो इस तरह से पब्लिकली बेचे नहीं जाते, ना ही अपनी एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिक करती हैं, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड होती है, सीक्रेटिव होती हैं। फिर आ जाती हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो जनरल पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती हैं, ये लिस्टेड होती हैं, ठीक है। जो कंपनी अपने आपको, अगेन कंपनी यही दो ही टाइप्स की कंपनीज है, और कोई कंपनी तो नहीं हो सकती, वो तो बिजनेस हो गए ना प्राइवेट, तो वो तो लिस्ट हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये जो दो टाइप की कंपनी, इसमें से भी प्राइवेट लिमिटेड लिस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि उनके शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर बिकते ही नहीं होते, वो प्राइवेटली बेचे जाते हैं, उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी होती है बोर्ड की, और वो उसका एक सेपरेट प्रोसीजर है पूरा। जहां तक बात आ गई पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ही वो इकलौती कंपनीज है जिनके शेयर्स लिस्ट भी होते हैं और सेल भी होते हैं, और यही है जिनकी आईपीओ होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, प्राइमरी मार्केट के अंदर, जो मैं अभी सारी आपको एक्सप्लेन करा था। यही होता ही है कि एक कंपनी थी या एक नई कंपनी बनाई गई, अब उन्होंने कहा कि हमने अपने शेयर इशू करने, आईपीओ करना है, वो एक अंडरराइटर के पास जाएगी, अंडरराइटर उसके शेयर पहली बार इशू कर देगा। अब वो जैसे आप बजाएंगे एचबीएल, वहां जाकर वो फॉर्म फिल करेंगे, फीस जमा करवाएंगे कि इतने मैंने शेयर खरीदने, उतने पैसे जमा करवाएंगे, वो आमतौर पर कुरानदाजी होती है क्योंकि ज्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं और इतने शेयर्स नहीं होते, तो यूजुअली वो जब नाम निकलेगा तो आपको बता देंगे आपके इतने शेयर निकले हैं, आप इसकी बाकी ये जो पेमेंट है अपनी वापस ले लें और ये आपके शेयर अपने रिसीव कर लें आके बैंक से, ये पूरा प्रोसीजर होता है उसका, ठीक है। उसके अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज जाना नहीं पड़ता, लेकिन जब आपने शेयर खरीद लिया है तो इसका मतलब ये कि कंपनी अब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो चुकी है, इससे पहले वो लिस्टेड नहीं थी, ठीक है, या तो नई बनी है या फिर वो प्राइवेट लिमिटेड होगी पहले, या फिर पहले वो नॉट लिमिटेड बिजनेस होगा, एक सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप टाइप का बिजनेस होगा। उसने डिसाइड किया कंपनी कि हमने पब्लिक से पैसे कलेक्ट करने हैं, तो हम जाके पब्लिक लिमिटेड रजिस्टर होते हैं, तो उन्होंने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से कॉन्टेक्ट किया, उनको अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और साथ में प्रोस्पेक्टस जो है ये सब कुछ प्रोवाइड किया, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की, अब जाके वो लिस्टिंग के लिए तैयार हो गई, उनको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया गया और उनकी पहले आईपीओ होगी। अब एक बार जब ये आईपीओ के अंदर शेयर इश्यू हो चुके हैं, आपने जाके खरीद ली है, अब जब आपको इनको बेचना है, खरीदना है, कुछ डीलिंग करनी है, अब ये सेकेंडरी मार्केट में होगी, अब ये प्राइमरी मार्केट में दोबारा नहीं हो सकती। प्राइमरी में सिर्फ पहली बार शेयर इशू किया जाता है,
अब जो अगर आपको जो शेयर आपने खरीद लिए हैं आपको मिल गया, अब आप कहें यार मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई है शेयर बेचने, आप सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज चले जाएंगे। तो अब से आपको ये भी समझ आ गया कि सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज। यहां तक कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर हो गया? यस सर। लेकिन सर सेकेंडरी मार्केट में हम ऑपरेट तो ब्रोकर के थ्रू करेंगे ना? जी बिल्कुल, एक्चुअली आप ब्रोकर के बगैर ऑपरेट कर नहीं सकते। स्टॉक एक्सचेंज अगर हमें टाइम इतना मिला या इसके उसके अंदर ये हुआ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि स्टॉक एक्सचेंज का एक पूरा प्रोसीजर होता है चलने का। वहां पर सीट्स होती हैं, ठीक है, उन सीट्स को ये ब्रोकर्स बेसिकली खरीदते हैं जिसके ऊपर इनका बंदा बैठा होता है जो आपके ऑर्डर्स प्लेस कर रहा होता है। और वहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी हैं, कुछ थोड़ा सा और सिस्टम्स भी होते हैं जो डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हैं। अगर टाइम मिला तो इनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या है सुपर डॉट और ये डिफरेंट सिस्टम्स क्या हैं, किस तरह ये एग्जीक्यूट करते हैं ट्रांजेक्शन को। ऑर्डर आया तो वो ब्रोकर के जो सीट वाला बंदा होता है उसके पास जाता है और वो जो सीट वाला बंदा होता है वो उसको प्लेस कर देता है। जैसे ही उसकी रेट मैच होता है वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए आप ब्रोकर के बगैर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ब्रोकर ने एक्चुअली सीट परचेज की हुई होती है स्टॉक फ्लोर के, जिसको फ्लोर कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज का फ्लोर, तो वहां पर उसने एक सीट परचेज की होती है। सीट का मतलब वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है वो जहां पर सिस्टम के साथ एक बंदा उनका अपना बैठा होता है और वहां पर वो ऑर्डर्स प्लेस कर रहा होता है बेसिकली, ठीक है। सो वो है सेकेंडरी मार्केट। अगेन आपको बेचना है, आप एक ब्रोकर के थ्रू वहां जाएंगे, उससे कहेंगे जी मेरे पास ये शेयर हैं ये मैंने बेचने हैं, करंट मार्केट प्राइस पे बेच दो, तो उसी प्राइस पे बिक जाएंगे जो करंट मार्केट में अवेलेबल होगी, जो लोगों ने ऑफर की होगी इतने में मैं ये शेयर खरीदने को तैयार हूँ। अगर आप कहेंगे नहीं मुझे इतने में बेचने, तो जब वो प्राइस रीच होगी तब वो बिक जाएगा, अदरवाइज तब तक वो ऑर्डर आपका पड़ा रहेगा वहां पर क्यू के अंदर लगा हुआ अकॉर्डिंग टू दी प्राइस, ठीक है। जैसे ही वो डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल है, जैसे ही आपकी सेलिंग की प्राइस और उसकी बाइंग की प्राइस मैच हो गई वो एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। उसका रूल सादा सा यही है। मूविंग फॉरवर्ड टू दी मनी मार्केट्स, ओके। सो बस ये आज हम चले ये बस मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट मार्केट्स करके अभी एंड करते हैं, फिर मैं इसके बाद आपको बाकी चीजें बताता हूँ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि मेरी एक और क्लास है अभी एक्चुअली, सो मैंने उनको वेट करवाया हुआ इसकी वजह से कि थोड़ा सा हम लेट हो गए। ओके, सो मनी मार्केट, वेल मनी मार्केट से आपके माइंड में कुछ आता है कि व्हाट इज अ मनी मार्केट? डू यू हैव एनी रफ आइडिया? या कैपिटल मार्केट का बता दें, आई हैव नो प्रॉब्लम। या इन दोनों में कोई डिफरेंस आपको बताओ? सर आई थिंक मनी मार्केट में हाई लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ट्रांजैक्ट हो रहे होते हैं। वेल बेसिकली तो कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी का ही है, लेकिन लिक्विडिटी बेसिकली सेकेंडरी मार्केट में ज्यादा जो है हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी के होते हैं, ठीक है ना। अगेन लिक्विडिटी डेफिनेटली शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी की ज्यादा होती है, लेकिन स्टिल लिक्विडिटी इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मनी मार्केट के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होगा वो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी का होगा। अब शॉर्ट टर्म किसे कहते हैं फाइनेंस के अंदर? शॉर्ट टर्म बड़ा स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। डू यू नो व्हाट डू वी कॉल अ शॉर्ट टर्म? सर शॉर्ट टर्म हम कह सकते हैं 3 months, या जिसको हम कह सकते हैं मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम 1 year से लेस सर। वेल लेस देन 1 year हम आमतौर पे स्टैंडर्ड यही कहते हैं कि विद इन 1 year जो चीज अपने आप को रिप्लेस कर ले। लेकिन जो एक्चुअल इसके लिए टर्म जो फाइनेंस में हम यूज करते हैं वो है 1 year और लेस। तो पूरा 1 year भी अगर एक चीज मैच्योर होते हुए लगा दे तो भी उसे शॉर्ट टर्म ही क्लासीफाई किया जाता है। तो हम कहते हैं 1 year और लेस या उससे कम में, ठीक है, अपने आप को रिप्लेस कर दे वो पूरी जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अपना साइकिल कंप्लीट करके अपने आप को रिप्लेस कर दे, दैट इज कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म, ठीक है। और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए होती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म अगेन कुड बी 10 years 50 years इवन, तो उसका कोई लिमिट नहीं है, 1 year से वो प्लस ही होगी यूजली, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म के अंदर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर डिफरेंट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एसेट्स हो सकते हैं जिनकी ट्रेडिंग हो रही होती है कॉन्स्टेंटली जो मनी मार्केट, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये मनी मार्केट है ये, क्योंकि ज्यादा कंपैरेटिवली ज्यादा लिक्विड होती है, जो आपने पॉइंट एक्सप्रेस किया था अभी। सर डेरिवेटिव्स किस में ट्रेड हो रहे होते हैं? डेरिवेटिव्स जो है वो आपके शॉर्ट टर्म के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि वो एक सर्टन 3 months 6 months के टाइम पीरियड के अंदर उनकी ट्रांजेक्शन हो रही होती है, लेकिन वो एक मार्केट ही डिफरेंट है। अगर आप उसको डेरिवेटिव्स की तरफ ले जाए वो एक चीज ही डिफरेंट है टोटली। यूजली हम मनी मार्केट के अंदर आपकी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज ले लेते हैं उसके अंदर, क्योंकि सिक्योरिटी को हम जरा डिफरेंट ट्रीट करते हैं। डेरिवेटिव इज अ सॉर्ट ऑफ अ हेजिंग टूल, तो वो डिस्कस हम जरा डिफरेंट करते हैं उसको। सही। और सर फॉरेक्स को भी इनमें से कोई देखती है या नहीं?
ओके नहीं, फॉरेक्स बेसिकली, फॉरेक्स अगेन वो भी एक डिफरेंट ब्रांच आ जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम फॉरेक्स को इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर दें, लेकिन यूजुअली जो फॉरेक्स है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आती, और ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट की मार्केट्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की मार्केट्स है। फॉरेक्स जो है वो कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो करेंसीज की बेसिकली एक्सचेंज एंड ट्रेड है, तो दैट इज व्हाई वो इसके अंदर क्लासिफाई नहीं होती। ठीक है, अब बेसिकली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डिफरेंस आपको भी समझ आ गया कि वन ईयर और फिर वो उसके कम, वो शॉर्ट टर्म है बाकी लॉन्ग टर्म है। और बेसिकली ये जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है, ये बेसिकली अपनी मैच्योरिटी बेसिकली है कि जो मनी मार्केट है उसकी मैच्योरिटी शॉर्ट टर्म की है, जो कैपिटल मार्केट उसकी मैच्योरिटी जो है वो लॉन्ग टर्म की है। और फाइनेंस में मैच्योरिटी हम बेसिकली किसको कह रहे हैं, मैच्योरिटी हम फाइनेंस में पेएबिलिटी या पेएबल कब हो जाएगी एक चीज, कि इस डेट को ये पेएबल हो जाएगी, वो उसकी मैच्योरिटी होती है कि इतने अरसे में, तीन महीने का बॉन्ड है, छह महीने का बॉन्ड है, तो वो छह महीने में मैच्योर हो जाएगी, इसलिए वो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। इसी तरह से कोई लॉन्ग टर्म का है, 15 साल बाद भी बॉन्ड मैच्योर होगा, तो वो कैपिटल मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। गॉट द आइडिया? यस सर। चलें, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे स्केड्यूल कर लेंगे, तो उसके